हेलो एवरीवन। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं लिनक्स के टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारा मैंने बताया था यूजर मैनेजमेंट के ऊपर है ना। तो चलो थोड़ा पहले डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं भाई, ये यूजर मैनेजमेंट है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको कैसे यूज किया जाता है ना, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है, मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू देता हूँ भाई, जरूरत क्यों पड़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सर्वर है ना, और इस सर्वर के ऊपर आपने क्या डाला है, लिनक्स डाल दिया। अब आपने लिनक्स इसके ऊपर डाला तो एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनता है भाई, रूट नाम का, और इसको होता है भाई फुल पावर, ये बात आपको सबको पता है। अब मान लेते हैं ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सर्वर है जो 24x7 चलता है, 24x7 ये रन हो रहा है ना। तो ऑफिस से बात है भाई, एक आदमी के हाथ में तो ये सर्वर नहीं होगा। तो हमारी कंपनी में क्या होता है भाई, तीन शिफ्ट, चार शिफ्ट होते हैं बंदों के। एक तो ए शिफ्ट होता है, मैं बता देता हूँ जिसका टाइमिंग हम क्या रखते हैं भाई, ए शिफ्ट का टाइमिंग जो होता है 8 से 4 है ना। अगला हमारा बी शिफ्ट होता है, बी शिफ्ट का टाइमिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 से 12, मतलब 4 बजे बंदा आएगा, 12 बजे रात चला जाएगा, 8 घंटे के हिसाब से ड्यूटी बता रहा हूँ। और सी शिफ्ट होता है, बंदा रात को 12 बजे आता है और सुबह 8 बजे जाता है। और एक जनरल शिफ्ट होता है ना, जनरल शिफ्ट, और एक जनरल शिफ्ट होता है जिसमें बंदा क्या होता है, सुबह 9 बजे आता है और शाम को 5 बजे चला जाता है। तो 4 शिफ्ट के लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हर एक शिफ्ट पे, एक शिफ्ट पे 4 बंदा है ना, इस शिफ्ट पे 4 बंदा है, इस शिफ्ट पे भी 4 बंदा है, और जनरल शिफ्ट पे 2 बंदे हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो इस सर्वर पे काम करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, हो गए सर, इस सर्वर पे काम करने वाले हमारे पास 14 लोग हो गए है ना, 12 और 2 14। अब 14 लोग को लॉगिन करने के लिए अगर हम रूट का यूजर आईडी पासवर्ड दे दें, ठीक है, तो सारे लोग एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं, ए शिफ्ट वाला भी, बी शिफ्ट वाला भी, सी शिफ्ट वाला भी। अब ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट के बंदों ने कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती कर दी, तो कैसे आइडेंटिटीफाई होगा कौन बंदे ने किया भाई, उस शिफ्ट में तो 4 बंदे, तो आइडेंटिटीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि लॉग वगैरह सारे रूट से ही जाने वाले। तो क्या किया जाता है कि भाई साहब, यूजर्स बना के दे दिया जाता है, क्या किया जाता है, नॉर्मल यूजर बनाकर दे दिया जाता है कि भाई ए शिफ्ट में 4 बंदे हैं, हैरी, नताशा, शरा, ठीक है, 4 शिफ्ट है, 4 बंदे, तो चारों बंदों का लॉगिन आईडी पासवर्ड यूजर बनाकर सर्वर पे रख दिया जाएगा। अब ये चारों अपने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो अगर हैरी कोई मिस्टेक करता है सर्वर पे तो लॉग्स जनरेट होगा भाई, हैरी ने लॉगिन किया था है ना, उसने ये मिस्टेक किया, तो आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है आपको, और सर्वर के को मेंटेन करने में भी इजी हो जाता है अगर आप यूजर क्रिएट करके काम करते हो। तो ये एक आपके सामने मैंने सिनेरियो रखा, अब थोड़ा सा आगे चलता हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लिनक्स में यूजर आपके कितने टाइप के यूजर होते हैं, मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ यूजर, पहले भाई टाइप्स ऑफ यूजर की बात करें तो लिनक्स में 3 टाइप के यूजर आपको मिलेंगे दोस्तों। एक आपको मिलेगा सुपर यूजर, ठीक है, एक आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर सिस्टम यूजर, और एक आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो 3 टाइप के यूजर आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप समझते भाई सुपर यूजर कौन होता है। तो दोस्तों सुपर यूजर यहां पे होते हैं रूट, रूट यूजर को हम बोलते हैं सुपर यूजर भाई, इसके पास फुल पावर होता है, ठीक है। इसी तरीके से सिस्टम यूजर कौन होते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूं, सिस्टम यूजर जो होते हैं वो होता है यहां पर जैसे DSCP, DNS,
अपाचे, सांबा, एनएफएस, ये सारे सिस्टम यूजर होते हैं दोस्तों। मतलब कि जब भी आप लिनक्स के ऊपर कोई भी सर्विसेज रन करते हो तो वो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए सिस्टम यूजर होते हैं, है ना। तो ये यूजर कौन बनाता है दोस्तों, ये यूजर अपने आप बन जाते हैं। जब भी आप लिनक्स में कोई डीएससीपी का पैकेज अगर आपने इंस्टॉल किया, या फिर आपने डीएनएस का पैकेज इंस्टॉल किया, या आपने अपाचे का पैकेज इंस्टॉल किया, तो जैसे ही आपने ये पैकेज इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, ये यूजर अपने आप बन जाते हैं और ये मैनेज करते हैं उसको, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल यूजर कौन होते हैं। तो नॉर्मल यूजर वो यूजर होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं लाइक अपने शिफ्ट के हिसाब से, भाई इस शिफ्ट में इतने बंदे, तो इनको नॉर्मल यूजर कहा जाता है। तो मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, भाई हैरी नॉर्मल यूजर हो गया, नताशा नॉर्मल यूजर हो गया, सोनिया, ये सारे नॉर्मल यूजर होते हैं, है ना। चल तो अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जब भी आप लिनक्स पे यूजर बनाते हो तो दोस्तों उन यूजर को ना एक यूआईडी और जीआईडी असाइन होता है, ठीक है। अब ये यूआईडी और जीआईडी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने एक हैरी नाम का यूजर बनाया तो हमें ये अंडरस्टैंड हो रहा है ना कि हैरी नाम का एक यूजर है, लेकिन भाई ओएस को अंडरस्टैंड कैसे होगा, उनके कर्नल को कैसे होगा, वो तो भाई बाइनरी को समझता है 010 को। तो इसीलिए जब भी आप कोई यूजर बनाते हो लिनक्स के ऊपर तो उसको एक यूआईडी और जीआईडी मिल जाता है और सारी पॉलिसीज वगैरह जो है यूआईडी और जीआईडी में ही काम करती है। तो बात करते हैं भाई रूट यूजर की यूआईडी क्या होती है। तो रूट यूजर की यूआईडी बाय डिफॉल्ट सेट करके रख दी गई है 0, और जीआईडी जिसको हम ग्रुप आईडी बोलते हैं वो भी 0 है। ये फिक्स है दोस्तों, ये चेंज नहीं होता, है ना। ये चेंज होने का मतलब क्या है कि आप ओएस में कस्टमाइजेशन कर रहे हो फिर। तो ये रूट यूज़र की यूआईडी है और जीआईडी है, बाय डिफॉल्ट होती है। ऐसे सिस्टम यूज़र की यूआईडी जीआईडी देखते हैं। तो सिस्टम यूज़र की यूआईडी की जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, सॉरी 1 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है ना। और जीआईडी की जो रेंज है दोस्तों वो भी वही है, 1 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है। ये दोस्तों ये जो रेल सेवन का है ना, रेल 6 की तरफ अगर आप बात करो, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डेप में देना चाहता हूँ आपको। अगर हम रेल 6 की बात करें तो फिर रेल 6 में 499 तक होती है, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ऊपर वाला रेल 7 का है और ये रेल 6 का है, ठीक है। बट हमें रेल 7 का देखना है, हम रेल 7 पर से आगे चल रहे हैं, तो ये रेल 7 का। ऐसी नॉर्मल यूजर की बात करें भाई, तो नॉर्मल यूजर की यूआईडी और जीआईडी रेंज क्या होती है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नॉर्मल यूजर की यूआईडी और जीआईडी जो रेंज होती है, मैं आपको बता दूं, यूआईडी रेंज होती है 1000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट 16000 तक जाती है। ऐसी जीआईडी भी है, 1000 से स्टार्ट होती है और 16000 तक जाती है, 60000 तक, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो 60000 से आगे। एक फाइल होती है ETC के अंदर DEFS, login.defs नाम की एक फाइल होती है, वहां जाके आप 60000 की रेंज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे इनको क्रिएट कर करके भी देखेंगे हम सारी चीजें। उसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं कि भाई साहब रूट यूजर से ही सिस्टम जो लॉगिन होता है वो रूट यूजर से होगा या तो नॉर्मल से होगा। ये सिस्टम यूजर से कभी हम सिस्टम को लॉगिन नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपने रूट से लॉगिन किया सिस्टम को, ठीक है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट किस तरह से नज़र आने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने रूट से लॉगिन किया तो इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आएगा, root@, और आपके सर्वर का होस्ट नेम, जैसे मैंने लिख दिया सर्वर ए, और ये सैम्बल होगा और तो ये इस तरीके से रूट से अगर आपने लॉगिन किया तो इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट आपको नजर आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये नजर आ रहा है आपको,
ये रूट है, ये होस्ट नेम है और ये टेल्ड सिंबल, अभी बताऊंगा सारी चीज़ें क्या होती हैं। और अगर आपने नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किया, मान लो हैरी से आपने लॉगिन किया, तो इस तरीके से नज़र आने वाला है आपको, आपके सर्वर का होस्ट नेम और टेल्ड और डॉलर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक यूज़र अभी बनाता हूँ, अभी कैसे बना रहा हूँ इस पर ध्यान मत देना। यूजर एड, तो देखो मैं हैरी से अगर लॉगिन करूं तो देखो ये आ गया। ठीक है, समझ आ गई, चलो आगे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये जो होता है ना दोस्तों, ये आपको ना कुछ सिस्टम की इंफॉर्मेशन डिनोट करता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है। कैसे? एट द रेट से पहले जो होता है दोस्तों, ये आपको डिनोट करता है कि आप लॉग इन किससे हो, है ना, लॉग इन यूजर का लॉग इन नेम। मैं लिख देता हूं यूजर लॉग इन नेम, ये आपको यूजर लॉग इन नेम आपको डिनोट करता है। और एट द रेट के बाद जो भी चीज होती है दोस्तों, ये आपको बताता है कि आपका होस्ट नेम क्या है ना, ये आपको डिनोट करता है आपके सर्वर का होस्ट नेम क्या है। तो यहां से भी आप होस्ट नेम, खुद फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम नहीं दोस्तों, सिर्फ होस्ट नेम, है ना। ऐसे ही ये जो टिल्ड सिंबल है दोस्तों, ये टिल्ड सिंबल आपको दिख रहा है, ये टिल्ड सिंबल आपको बताता है, ये टिल्ड सिंबल आपको बताता है कि करंट यू आर इन योर होम डायरेक्टरी, राइट, करंट यू आर इन ऑन होम डायरेक्टरी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये आपको टिल्ड बताता है। अब देखो कभी कभी टिल्ड की जगह कुछ और वर्ड भी लिख के आ जाएंगे, जैसे दिल्ली आ गया, इंडिया आ गया, तो इसका मतलब है कि ये है कि फिर आप करंट इंडिया नाम के फोल्डर पे हो, है ना। ये सारी चीजें हमने पीडब्ल्यूडी में देख भी ली थी। और ये हैज जो बताता है कि भाई आप सुपर यूजर हो, हैड आपको डिनोट, हैज डिनोट करता है यू आर सुपर यूजर, क्या बोलता है ये, यू आर सुपर यूजर। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ये यहां देख लो भाई, एट द रेट से पहले बता रहा है भाई आप हैरी से लॉगिन हो, यूजर लॉगिन नेम, ठीक है। ऐसे ही ये देखो होस्ट नेम, और ये टिल्ड बता रहा है भाई करंट यू आर इन ऑन होम डायरेक्टरी, ठीक है। यू आर इन ऑन होम डायरेक्टरी, और ये डॉलर सिंबल क्या बोल रहा है, ये डॉलर सिंबल आपको बता रहा है कि भाई साहब आप एक नॉर्मल यूजर हो, क्या बता रहा है, नॉर्मल यूजर, यू आर नॉर्मल यूजर, क्या बोल रहा है, यू आर नॉर्मल यूजर। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है, चल। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, इसी के बारे में और आगे चलते हैं। जब भी आप लिनक्स में यूज़र बनाते हो तो दोस्तों यूज़र की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जनरेट होती हैं और वो बहुत सारी फाइलों में जाके सेव होती हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लिनक्स में एक यूज़र बनाया, रूट की बात कर लेते हैं, तो हमने एक, हमारा सिस्टम एक रूट नाम का यूज़र है, तो सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, इसको एक यूआईडी मिलती है ना, जो हमने देख लिया भाई जीरो। दूसरी इन्फॉर्मेशन इसको क्या असाइन होती है, इसको एक जीआईडी मिलती है जीरो। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक फाइल होती है आपके सिस्टम में ETC पास WD नाम की, है ना, हमने देखा था बहुत बार। इस पास WD वाली फाइल के अंदर यूजर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सेव होती है, मैं बताता हूं किस टाइप से आपको मिलेगी, देखते जाओ। Thank you.
तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। हाँ दोस्तों, ये ETC पास जरूरी, ETC के अंदर जो पास जरूरी फाइल है, इस ये जो है आपके सामने, ये 7 फील्ड है। 1 2 3, मैं 7 फील्ड लिख देता हूँ। और 7 फील्ड में इंफॉर्मेशन सेव है दोस्तों। फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2, फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 4, फील्ड नंबर 5, फील्ड नंबर 6 एंड फील्ड नंबर 7। तो ETC के अंदर जो पास जरूरी फाइल है, उस फाइल के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन 7 फील्ड में स्टोर होती है ना। फील्ड नंबर फर्स्ट आपको बताता है दोस्तों, यूजर का लॉगिन नेम। लॉगिन नेम क्या है? फील्ड नंबर 2 बताता है भाई पासवर्ड, पॉइंटर। पासवर्ड तो नहीं है बट ये पॉइंटर है भाई, एक्स है मतलब पासवर्ड असाइन है, पासवर्ड पॉइंटर। ठीक है, ये पासवर्ड पॉइंटर है। और ये पॉइंट किसको करता है दोस्तों? ये पॉइंट करता है किसी दूसरी फाइल को, मैं लिख देता हूं यहां पर ETC शैडो को। ETC के अंदर एक शैडो नाम की फाइल है जो आगे देखेंगे, और शैडो वाली फाइल को पॉइंट करता है। एक्स का मतलब है भाई पासवर्ड असाइन है और इस फाइल को पॉइंट कर रहा है। ऐसे फील्ड नंबर 3 ये बताता है भाई UID क्या है, तो 0 बता रहा है। ये बताता है भाई GID क्या है, 0 बता रहा है। और ये बता रहा है भाई कमेंट। कमेंट्स क्या है ना, कमेंट्स का मतलब भाई हम रूट को सेट कर सकते हैं, कमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं भाई दिस इज सुपर यूजर या HR डिपार्टमेंट, ऐसा कोई कमेंट्स हम पास कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रूट ही कमेंट होता है। ऐसे फील्ड नंबर 6 आपको बताता है भाई ये यूजर का होम डायरेक्टरी, ये यूजर का होम डायरेक्टरी बताता है। और फील्ड नंबर 7 बताता है यूजर का लॉग इन सेल क्या है। तो ये 7 फील्ड हो गए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये होता है फील्ड नंबर 1, ठीक है, ये फील्ड नंबर 1, ये फील्ड नंबर 2, ये फील्ड नंबर 3, ये फील्ड नंबर 4, ये फील्ड नंबर 5, ये फील्ड नंबर 6 और ये हो गया फील्ड नंबर 7। तो ये होता है ETC शैडो के अंदर, ETC पार्ट डब्ल्यू की पास डब्ल्यूडी के अंदर 7 फील्ड्स में इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, इसी तरीके से भाई अगली फाइल होती है, मैं आपको बता दूं अगली फाइल होती है 4th नंबर, एक फाइल होती है ETC के अंदर शैडो, है ना। इसके अंदर भाई साहब पासवर्ड की इंफॉर्मेशन सेव होती है और टोटल 9 फील्ड्स में होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको मिलेगा, ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, ये जो फील्ड नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों, ये बताता है भाई लॉगिन नेम क्या है यूजर का, लॉगिन नेम ऑफ यूजर। ठीक है, और ये फील्ड नंबर जो 2 है दोस्तों, इसमें लिखा होता है पासवर्ड, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट जो यहां पॉइंट हो रहा था, ये होता है पासवर्ड। ठीक है, और ये फील्ड नंबर 3 से 9 तक जो होता है दोस्तों, ये होता है यूजर के पासवर्ड पॉलिसीज। यूजर का पासवर्ड पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन होती है, मैं लिख देता हूं पासवर्ड पॉलिसीज। किस टाइप की पॉलिसी भाई, पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, लास्ट पासवर्ड क्या है, चेंज पास डेट क्या है, ये सारी पॉलिसीज होती है। इसी तरीके से 5th नंबर की इंफॉर्मेशन यूजर को मिलती है जब आप यूजर बनाते हो, ETC ग्रुप के अंदर जाके स्टोर होती है ना। जब भी हम यूजर बनाते हैं तो उस नाम का एक ग्रुप भी बनता है और उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन इस फाइल पर स्टोर होती है। किस तरीके से होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 9 फील्ड्स है ना टोटल, मैं लिख देता हूँ टोटल 9 फील्ड्स, यहाँ पे 7 फील्ड्स और यहाँ पे 4 फील्ड्स मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से मिलेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ।
है, इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया फील्ड नंबर वन, जिसमें ग्रुप का नेम बता रहा भाई, ये ग्रुप का नेम क्या है। फील्ड नंबर टू है, आपको बता रहा भाई पासवर्ड पॉइंटर है ये भी, है ना, ग्रुप को भी पासवर्ड आप असाइन कर सकते हो, पासवर्ड पॉइंटर है। और ये किस फाइल को पॉइंट करता है, जैसे ये तो पॉइंट कर रहा था शैडो को, है ना, ये पॉइंट करता है जी शैडो को, इस फाइल को पॉइंट करता है, अभी देखेंगे जी शैडो, ठीक है। उसी तरीके से ये भाई बताता है जीआईडी, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये है मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर, कितने मेंबर इसमें ऐड है, तीन मेंबर ऐड है, तो तीन मेंबर की इंफॉर्मेशन आ रही है आपके सामने, मेंबर ऑफ ग्रुप, मैं लिख देता हूं मेंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप के मेंबर बता रहा, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आई। इसी तरीके से यहां पे लिखता हूं भाई, छठवीं इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिक्स नंबर ईटीसी सैडो नाम की फाइल के अंदर, जी सैडो, सैडो तो हमने देख लिया, जी सैडो के अंदर भाई ग्रुप की पासवर्ड और ग्रुप की पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन सिर्फ होती है इस फॉर्मेट में मिलेगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये भी फोर फील्ड में है, ये भी फोर फील्ड में, यहां पर भी टोटल कितने हैं भाई, फोर फील्ड, है ना, यहां पर टोटल मैंने आपको बताया था सेवन फील्ड, और ये भी यहां पर भी आपको कितने फील्ड है, फोर फील्ड है ना। तो अब देखो यहां पर ये जो है, ये बता रहा भाई ग्रुप का नेम, है ना, और ये जो है ये पासवर्ड लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भाई, ग्रुप का पासवर्ड, ठीक है। अब ये संजय यहां पर क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है इस ग्रुप का जो भी एडमिन मेंबर होगा, तो एडमिन मेंबर का यहां पे लिस्ट नाम आ रहा है ना, जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका जो एडमिन मेंबर होगा, जो भाई ग्रुप में चेंजेस वगैरह कर सकता, तो ये है एडमिन मेंबर, मेंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का एडमिन मेंबर है कि भाई ये किसी यूजर को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है लिस्ट ऑफ मेंबर भाई, नॉर्मल मेंबर कौन है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल मेंबर आपके पास आ रहे थे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंबर ऑफ ग्रुप। ऐसी दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेवन नंबर की इन्फॉर्मेशन, और सेवन नंबर की इन्फॉर्मेशन क्या होती है मैं आपको बता दूं, वेयर के अंदर, यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, वेयर है या वेयर के अंदर, ठीक है, वेयर एक फोल्डर है, वेयर फोल्डर के अंदर मेन नाम का एक फोल्डर होता है, और मेन नाम के फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनती हैं, जिस नाम का आप यूजर बनाते हो उस नाम का एक फाइल बनता है, जैसे रूट नाम का यूजर है तो मेल के अंदर एक रूट नाम की फाइल बनेगी, और इसके अंदर यूजर की मेल की इंफॉर्मेशन सेव होती है, मेल इंफॉर्मेशन सेव, मेल इंफॉर्मेशन मतलब यूजर जो भी मेल रिसीव करेगा या सेंड करेगा वो इस फाइल के अंदर जाके सेव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप यूजर बनाते हो लिनक्स के ऊपर, तो ये सेवन इन्फॉर्मेशन सेव होती है, इनको एज अ प्रैक्टिकल हम देखेंगे भी। देखो पहले यू आई डी, जी आई डी, ई टी सी, ठीक है, फोर्थ नंबर ये शैडो, फिफ्थ नंबर ग्रुप, सिक्स नंबर ये, और ये सेवन इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो दोस्तों ये तो एक थ्योरी था, प्रैक्टिकल अगले प्रैक्टिकल की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक घंटे का हो जाएगा, 25 मिनट वैसे भी हो चुका है। तो ये यूज़र मैनेजमेंट का थ्योरी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और प्रैक्टिकल अगले वीडियो में बनाऊँगा। तो अगर आप ये वीडियो आपको सच में पसंद आ रही है, तो दोस्तों तो ये आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बोलिए कि लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो बाय बाय, फिर इसके प्रैक्टिकल की तरफ मिलते हैं।